क्या रखा? अरे भैया आप साले महीने तक पागल है, यहाँ नाटक कर रहे हैं तू लोग? अरे भैया करना क्या है बोलो भैया, हमसे गलती हुआ है, वीडियो शो चल रहा है क्या? इंस्टाग्राम रील चल रहा है? अरे नहीं, भैया लड़की का कपड़ा मिल जाएगा क्या यहाँ? मिल जाएगा। अच्छा, वैसे ये दुकान देखने में भी मुझे काफ़ी दूर से ही अच्छा लगा, इस वजह से मैं इसी दुकान में आया। राजा जी, तो क्या एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है, तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़ा चाहिए, तो पहले आप मेरे को वो दिखा दीजिए। उसे क्या बोलते हैं नीचे में पहनने वाला जो पजालो होता है? नहीं, प्लाजो। अच्छा, प्लाजो बोलते हैं उसको। हाँ दिखाइए, वो एक दिखा दीजिए वो वाला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो थोड़ा वाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं भैया, मजाक नहीं कर रहे, बट ठीक है, लेकिन ये वाइट वाला लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आपका पसंद, मेरा पसंद और मेरी गर्लफ्रेंड का पसंद। और ऊपर में पहनने के लिए क्या समझेगा? क्या ले सकते हैं? आप भी ले सकते हैं, इसकी कुर्ती भी ले सकते हैं आप। अच्छा, कुत्ता। अच्छा, कुर्ती। सॉरी। अच्छा ठीक है, तो दिखाइएगा कुर्ती कैसा है, देखें अगर पसंद आएगा तो लूंगा। बस रहने दीजिए। आप ये चीज दिखा दिए ना, पहली नजर में मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था, तो ये देख के भी मुझे ये पसंद आ गया। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा, ये वीडियो कर रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, तो वीडियो इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि मेरी गर्लफ्रेंड को ये ना लगे कि मैं उसके लिए फुटपाथ में से कपड़ा उठा के ले जा रहा हूँ, सौ वाला। तो इस वजह से वीडियो कर रहा हूँ ताकि वो अंधी को दिख जाए कि मतलब मैं एक शोरूम से ले रहा हूँ, मतलब दुकान से ले रहा हूँ कपड़ा ऐसा। तो ये और प्राइवेट चीज तो खैर वो खुद ले लेगी। बड़ा हरामी हो बेटा। तो आप मेरे को ये दिखा दीजिए, वो ओढ़ने वाला, गर्दन में फंस लगाने वाला जो होता है, क्या बोलते हैं? अरे हाँ, ओढ़नी होगा तो ओढ़नी निकाल दीजिए। दुपट्टा दिखा रहे हैं कि भाई, मन तो कर रहा पूरा ले ले, लेकिन उसमें मेरा बजट तो नहीं है। लेकिन एक काम कीजिए ना, वो सब थोड़ी, ये पिंक वाला निकाल दीजिए, क्योंकि पिंक ज्यादा ही मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे पिंक कलर मेरा भी फेवरेट नहीं है, मेरा रेड कलर फेवरेट है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और ये काफी अच्छा लगेगा भाई उसको, एकदम रापसिक चीज है। हाँ, लेकिन अभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही। चलिए, ये बेइज्जती नहीं, काला आदमी को पिंक बहुत अच्छा। चलिए भैया ये पैक कर दीजिए। अच्छा भाई, ईमानदारी बताइए, पसंद आएगा ना मेरी गर्लफ्रेंड? ये आपका चॉइस होगा? क्या बात कहे, हाथ मिलेगा इसी बात कर दीजिए, बता दीजिए। इसके ऊपर में भी निकालेंगे, तो सही रहेगा उसको ऊपर नहीं ले जाके अच्छे से मतलब शॉपिंग कराएंगे। राजा जी, तो हमको कितना रुपया? अच्छा, ये बिल आप ही रखिए, कोई बात नहीं, बिल आप ही रखिए। हमको कितना रुपया देना होगा भैया? 2500 रुपया देना पड़ेगा। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं ये बोलना चाह रहा था, एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एग्जैक्ट आप मेरे को एक गर्लफ्रेंड पटवा देते तो आपके यहां से ले जाते। दिमाग खराब है अपना। अंदर क्या अब काला है? सब ठीक है, क्या समझ क्या रखा? अरे भैया आप काला नहीं ना, तो बंदी पटवा देते तो हम आपके यहाँ से ले जाते हैं। तो दिमाग खराब है, क्या कर रहे हैं? क्या है? ठीक है, हमसे गलती हुआ। क्या कर रहे हैं हम? ऐसे नहीं होता है भाई, पता है? हमसे गलती हुआ है भैया, हम अपनी गलती को मानते रहे। हम लोग यहाँ कोई रील चलाने नहीं आए, या कोई रील चलाने नहीं आए भाई। तुम आओ बना के ले जाओ, क्या नाटक चल रहे हैं? तो भैया बंदी पटवा देते तो हम आपको बोले कि हम आपके यहाँ से ही ले जाएंगे। तेरा दिमाग खराब हुआ क्या? क्या चल रहा है क्या? अरे भैया आप इतना नहीं घुसाइए,
हम बोले आपके यहाँ से हम ले जाएंगे कपड़ा, ऐसा भाई तो नहीं, मैं भाई तो चप्पल मार के मारता हूँ, नाटक करेगा क्या भैया? लेकिन क्या भैया भैया लगा रखा है अभी, मन बन गए भैया। A few moments later. हम आपको अभी क्लियर नहीं बताते, गुस्साइए मत। एक्चुअली प्रैंक जानते हैं ना, मजाक। बस वही आपके साथ हम लोग प्रैंक कर रहे थे। आप लोग देखिए वहाँ हमारा दोस्त वीडियो शूट कर रहा है। सॉरी भैया, हमको हम तो आपको मार बैठे। अरे बस वही मैं चेक कर रहा था कि आपका रिएक्शन क्या होता है। ऐसा बात नहीं है, मैं लूंगा, बट अभी क्या है ना, मेरी सच में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन जिस दिन हो गए ना भाई पक्का लूंगा, ये दिल से बोल रहा हूं। कोई बात नहीं भाई, हमको लगा अच्छा आपको, मैं हम लोग आपके साथ प्रैंक किए तो ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा? बुरा भैया, बुरा तो बहुत लगा, अभी आप वो तो है तो मार बैठ गया आपको। मेरे को पता है, आपने कॉलर पकड़ ली इतने गुस्से में, मैं उसी में डर गया, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, वैसे एक बंदी पड़ जाएगी तो पक्का मैं आऊंगा एक ना एक दिन देने के लिए। और वैसे आप कुछ हाई कर दीजिए वहाँ कैमरा। क्रिटिकल कंडीशन तो गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पे भाई साहब कितना मैटर हो गया था भाई, मतलब भैया को समझाना पड़ा, भाई को लास्ट में समझाना पड़ा कि यार मतलब कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ, वरना तो मेरा भाई कॉलर क्या मेरा ऊपर से लेके नीचे तक फट जाता। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, आप लोग फटाफट जाके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ भूला मैं जहां मैं मस्ती में घूमूं, मैं करता दुआ के हस्ती।